हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह, जहाँ शायद आपने नहीं देखा होगा, सुना तो होगा उसके बारे में, लेकिन शायद आप वहाँ नहीं गए होंगे। दोस्तों, आज हम लेके जा रहे हैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त जगह, बहुत ही ज़बरदस्त टूर करवाने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज हम लेके जा रहे हैं आपको 1857 की क्रांति की एक रहस्यमय देवी अर्धनचा, इसके बारे में शायद आपने सुना है, लेकिन दोस्तों शायद ही आप वहाँ का टूर किया है। हम लेके चल रहे हैं आपको आज सुगड़ी माता के मंदिर, जो 1857 की क्रांति की एक रहस्यमय देवी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इस देवी के बारे में आज आप जानोगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त, आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली, क्योंकि ये जो देवी है दोस्तों, वो वास्तव में बहुत ही खतरनाक थी। अंग्रेज़ों के जो दांत खट्टे हो जाते थे दोस्तों, ऐसे इस नाम से इस देवी को जाना जाता है। चलिए तो दोस्तों विस्तार से हम जानेंगे। पहले हम आपको, मैं अगर आप भी अगर सुगाली माता के मंदिर पर आना चाहेंगे, आउवा का किला जो है वो देखना चाहेंगे, वहाँ पर स्तंभ भी बना हुआ है आउवा के अंदर, और किला भी है आउवा के अंदर, वहाँ भी देखना चाहेंगे आप, तो मैं आपको बताऊँगा कि मारवाड़ जंक्शन जो स्टेशन है, वहाँ रेलवे स्टेशन पर आने के बाद आप कैसे आउवा मंदिर पर जा सकते हैं। दोस्तों तो सिंपल अपना जो है टूर शुरू करते हैं। दोस्तों, हम गांव से निकल चुके हैं और मैं आपको आगे आगे पूरी यात्रा का टूर करवाने वाला हूं, और पूरी यात्रा के बारे में आपको मैं समझाने वाला हूं। दोस्तों चलिए तो फिर अपना वीडियो जो है शुरू करते हैं। लेकिन
चलिए तो दोस्तों हम आ चुके हैं मारवाड़ जंक्शन के अंदर। अगर आप भी दुगड़ी माता का टूर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं इस स्थल को, तो सबसे पहले आपको पाली जिले के अंदर आना होगा। पाली जिले से सबसे पहले आपको मारवाड़ तहसील के अंदर स्टेशन पर आना होगा। मारवाड़ जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर आने के बाद सबसे पहले आपको रिक्शे में बैठ कर आउआ रोड, ये देखिए दोस्तों आउआ रोड पर ही मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले आपको आउआ रोड पर आना पड़ेगा। आउआ रोड से आपको सीधा आउआ का जो जोजावर वाला रास्ता वो पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको आगे आगे निकलना दोस्तों। तो हमारी जो जर्नी है, हमारा जो टूर है, यहाँ हम मारवाड़ जंक्शन से हम अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने जो जोजावर वाला रास्ता है, जो मारवाड़ जंक्शन से सटीक एकदम आउआ और जोजावर के मतलब जो रास्ता है वहाँ से हम मारवाड़ जंक्शन से निकल चुके हैं दोस्तों। अगर आप भी आओ तो यहाँ पर पूछना है किसी को भी, जोजावर वाला जो रास्ता आउआ जाता है, जो उस रास्ते से आपको निकल जाना है दोस्तों। आगे मैं आपको बताऊँगा कि जो चेलावास का जो 1857 की क्रांति के अंदर जो युद्ध लड़ा गया था 18 सितंबर 1857 को, उस भूमि से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर युद्ध लड़ा था। इस युद्ध के अंदर हमारे जो वीर सेनानी थे उन्होंने विजय प्राप्त की थी और जोधपुर की जो सेना थी उनको धूल चटाई थी दोस्तों। चलिए तो दोस्तों अपनी जो जर्नी है वो चालू रखते हैं। पहुंच चुके आउआ गांव के अंदर। अब यहां से हमारे को सुगली माता मंदिर जाने का रास्ता मिलने वाला है, वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर कि आउआ से आपको किस तरफ से सुगली माता के मंदिर के लिए निकलना है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों ये कच्चा जो रास्ता है आउआ से जस्ट पास में, अगर आप कहीं किसी को भी पूछेंगे कि सुगली माता मंदिर के लिए रास्ता कौन सा जाता है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए जो कच्चा रास्ता है दोस्तों, ये सीधा यहाँ से 3 किलोमीटर लगभग माता जी का मंदिर है, ये रास्ता आपको सुगली माता जी के मंदिर तक पहुँचाएगा। ये जस्ट आउआ के जस्ट पास में से निकलता है रास्ता दोस्तों। मान लीजिए आप आउआ के अंदर से ही निकलता है ये रास्ता और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है माता जी का मंदिर। ये रास्ता कच्चा था पहले, लेकिन अब शायद रोड बन गया, शायद ऐसा दिखता है दोस्तों, हाँ लगता है। ये देखिए दोस्तों रास्ता बना हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। चलिए तो अब मिलते हैं अब सीधा अपने मंदिर के, यहाँ पर जहाँ माता जी का मंदिर है वहीं आपको सीधा मिलते हैं दोस्तों।
चलिए तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सुगाली माता जी के मंदिर के मेन गेट के बाहर खड़े हैं। यहाँ देखिए, अगर आप कहीं कंफ्यूजन हो जाओ तो यहाँ देखिए प्याऊ है छोटी सी है बाहर, और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो है वो माता जी के मंदिर का मेन गेट है। अब इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों मैं आपको माता जी के दर्शन करवा दूंगा देता हूँ, फिर आपको मैं बाद में बता दूंगा कि माता जी से जुड़ा जो इतिहास है वो मैं आपको दर्शन करवाने के बाद बताऊंगा दोस्तों। चलिए तो पहले करते हैं दर्शन। पानी पी लेते सब, यहाँ पर प्यास लगी है बहुत देर से, पानी नहीं पिया तो पी लेते पहले दर्शन करना हो आगे। चले तो दोस्तों यहाँ पर जो माता जी के मंदिर के अंदर जो पुजारी जी है उनसे थोड़ा बहुत जानते हैं माता जी के इतिहास के बारे में, कि कैसे जो पुरानी मूर्ति नई मूर्ति दो मूर्तियां अंदर माता जी की लगी हुई, इनसे जानते हैं सारा इतिहास। ये तो है पुरानी वाली अंग्रेजों के टाइम की, जो उस तरफ की है वो पुरानी वाली है, पुरानी वाली है, ठीक है। वो ठाकुर कुशा सिंह जी टाइम की है, और ये मूर्ति है जो ये ठाकुर नाम सिंह जी टाइम की, 50-60 साल हो गए उनको, ये आस्ते आस्ते झुक रही है और वो मूर्ति एकदम झुकी है। ये देखिए दोस्तों, इसमें आप खास बात देखिए, जो पुरानी जो ये कुशाल सिंह जी के टाइम की जो मूर्ति है वो देखिए, उन माता जी का जो सिर है वो थोड़ा सा झुका हुआ है पहले से ऑलरेडी, और जो नई मूर्ति जो स्थापना है माता जी की वो देखिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिर इनका भी झुक रहा है, ये देखने के लिए एक खास बात है माता जी के मंदिर। और बताइए आप। हाँ, काली गौ को मारी और उनके खून के चाटा लगा, देवी उस टाइम अशुद्ध हो गई थी, एकदम अशुद्ध हो गई थी, तो एकदम उस टाइम गर्दन एकदम झुक गई थी उसी टाइम, तो अंग्रेज को मालूम पड़ा, फिर ये ठाकुर कुशा सिंह जी यहाँ से चले गए थे, वहाँ से हुआ हमारे मगरम चले गए थे पूरे ठाकुर कुशा सिंह, और वापिस 14 साल वापिस ठाकुर कुशा सिंह अहुआ में आए थे वापिस, तो अहुआ किला बनाया था वो, और एक मूर्ति 54 हाथ 10 सिर वो अहुआ किला में थी, तो अंग्रेजों ने उस टाइम ले गए थे वहाँ पर, तो बाहर विदेश में ले गए थे, फिर हमारे हमारे सरकार वापिस दिल्ली आई, दिल्ली में से पाली डिस्ट्रिक्ट में अब आज ही पड़ी है वो, बहुत कीमती मूर्ति है, 54 हाथ 10 सिरे उनके भी, वो भी सुकाली की, वो है सुकाली माता, ये है सुकाली माता, वो उनका क्या नाम है, सुकाली माता, सुकाली सुकाली काला पत्र की है ना, सुकाली है ना, ये है सुगाली माता, मतलब काल का जो सुगाल किया ना मारण पहले काल तक का बारिश नहीं होती थी, काल का सुगाल किया उस टाइम सुकाली माता, उस टाइम नाम पड़ा ये उसी टाइम में, ये पुरानी है नई मूर्ति बस। धन्यवाद। देखा तो दोस्तों, जो आपके आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि जो ये मूर्ति है जो वो पुरानी मूर्ति और एक नई मूर्ति, खास बात ये है माता जी की दोस्तों, कि जो पुरानी मूर्ति जो ठाकुर कुशाल सिंह जी के टाइम की जो मूर्ति थी उसके 54 हाथ और 10 सिर थे दोस्तों, और वो एक रौद्र रूप धरकर खड़ी हुई मूर्ति है, जिसके जिनके माता जी के चरणों के नीचे एक राक्षस है, अगर आप शायद कहीं पाली संग्रहालय में अगर जाओ तो वहां पर आपको मूर्ति वो देखने को मिलेगी।
यहाँ से जो मूर्ति थी वो शुभ काली नाम से वो प्रसिद्ध थी, वो माता जी की मूर्ति जो ठाकुर कुशाल सिंह जी के टाइम की थी। अगर मतलब मान लीजिए आप दोस्तों की जो यहाँ पर जो शासन शासक जो शासन करते थे कुशाल सिंह जी या उनसे जो जुड़े हुए, वो कभी युद्ध में हारते नहीं थे क्योंकि इन माता जी का आशीर्वाद था। लेकिन ये बात अंग्रेजों को मन के अंदर भाई नहीं दोस्तों, क्योंकि ये इस पर विजय प्राप्त करना चाहते थे आउवा पर, तो इसीलिए उन्होंने भेदी से भेद जान लिया। और आउवा जो माता जी थी उनके जो ऐसा माना जाता है, ऐसे कहते हैं लोग कि जो मूर्ति थी जो गऊ को काट कर उनके जो खून के छाटे होते हैं वो मूर्ति पर डाल दिए, तो इस वजह से जो माता जी का सिर है वो एक तरफ हो गया और वो जो मूर्ति थी जो 54 हाथ 10 सिर वाली जो वो यहाँ से उठाकर ले गए। पहले ले गए थे अजमेर, अजमेर के संग्रहालय में पड़ी थी, उसके बाद 1992 या 3 के अंदर उसको पाली के अंदर स्थापना किया गया दोस्तों। और वो अभी भी वो मूर्ति सुकाली नाम से माता जी के नाम से प्रसिद्ध जो मूर्ति है बहुत ही कीमती मूर्ति है, आज भी वो पाली संग्रहालय के अंदर मौजूद है दोस्तों। ये देख लीजिए आप, मैंने आपको सारा माता जी के बारे में बता दिया है। ये माता जी का मंदिर है और बहुत ही जबरदस्त इन माता जी का परिचय है दोस्तों। बहुत तो दोस्तों मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अगर आप कभी भी आउवा से निकलो तो माता जी के जरूर दर्शन करके जाओ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त माता जी का परिचय है और बहुत ही जबरदस्त यहाँ देखने के लायक मूर्ति भी है, पुरानी मूर्ति भी और नई स्थापित जो मूर्ति। खास बात यही है दोस्तों कि जो नई जो मूर्ति वो भी अपना सिर जो है धीरे धीरे एक तरफ झुका रही है, यही इस मंदिर की खास बात है। बस यही तो बात है, मैंने धीरे धीरे ये भी झुक रही है, ये भी मूर्ति का जो सिर है इन माता जी का वो भी धीरे धीरे झुक रहा है। आपके सामने देखिए दोस्तों, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई खोट नहीं है, आपके सामने के देखिए पहले जो माता जी का जो पहली वाली मूर्ति वो पूरा सिर झुका हुआ, एक ही पत्थर की पूरा एक ही पत्थर बना हुआ पूरा पूरा। हाँ, और ये जो नई मूर्ति है ये भी देख लीजिए, धीरे धीरे माता जी का जो सिर है वो धीरे धीरे झुक रहा है एक तरफ। ज्यादा बस 50-60 साल ही हुए अभी मेरे पापा, ये कितना टाइम हो गया मूर्ति स्थापना हुई, ये नई वाली ये 50-60 साल हो गए। ये देखिए 50-60 साल हो गए दोस्तों, दादो सर के हाथ से और ठाकुर नारसिंह जी के हाथ से स्थापित हुई है। हाँ, जो यहाँ के शासक थे ठाकुर नारसिंह जी, वो उनका शासन काल था तब ये मूर्ति स्थापित हुई है दोस्तों। बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल इन माता जी का जो सिर था वो एकदम सीधा था, लेकिन ये धीरे धीरे जो झुक गया दोस्तों। सबको विश्वास हो गया माता जी इधर ये कहीं नहीं गई, सबको विश्वास हो गया इस मूर्ति की स्थापना होते ही गर्दन आप दीदी झुकते ही सबको विश्वास हो गया माता जी। चलिए तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जो है माता जी के दर्शन पसंद आए होंगे, और माता जी के दुर्लभ अगर दर्शन आपको प्राप्त हुए तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि और भी ऐसे ज़बरदस्त वीडियो हम अपने चैनल के ऊपर लेके आने वाले हैं दोस्तों। आपसे ये आशा करूँगा दोस्तों कि आपने जो माता जी के दर्शन किए वो आपको अच्छे लगे होंगे, और माता जी का यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त परिचय है। अगर आप भी कभी आउवा से निकलो तो यहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए जरूर आए दोस्तों। चले तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय।